हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियास यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली रियलमी ने अपनी रियलमी 10 प्रो सीरीज को लॉन्च कर दिया है। रियलमी 10 प्रो भी लॉन्च हुआ है, रियलमी 10 प्रो प्लस भी लॉन्च हुआ है। 10 प्रो की तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे धमाकेदार फोन है रियलमी 10 प्रो प्लस स्मार्टफोन की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। क्या कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, क्या किलर प्राइस पॉइंट पर रियलमी ने इसे लॉन्च करा है, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आपको Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल्ड, डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, बैक में आप देखोगे ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप है, Realme की ब्रांडिंग है, ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, दिखने में फोन काफी जबरदस्त है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हो स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बार 6.7 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। कर्व डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है आप बोल सकते हो लिटरली इनसेन है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करिए, तीन वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, 8/28, 8/256 GB एंड 12/256 वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है। डुअल सिम का सपोर्ट है, एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, साथ ही में यूएफएस 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी यहां पर दिया गया है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको MediaTek का Dimensity 1080 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड टू स्कोर की अगर हम बात करें, अराउंड 5 लाख के आसपास का आपको देखने को मिल जाता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड रियलमी का लेटेस्ट रियलमी यूआई 4.0 पे यहां पर ये रन करता है। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको 5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करता है 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को, एंड डब्बे में आपको 67 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन पे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि क्या प्राइस पॉइंट पे Realme ने इसे लॉन्च करा है। जो 8/28 वेरिएंट है, चाइना मार्केट में लॉन्च करा गया 1699 युआन, इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर आप कन्वर्ट करते हो 19500 रुपए के आसपास बैठता है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना में अराउंड 24-25000 रुपए में जाएगा, लेकिन Realme ने किल करके रख दिया 19500 रुपए में। आपको डिजाइन बढ़िया है, कर्व डिस्प्ले AMOLED वाला 120 हर्ट्ज के साथ में, प्रोसेसर तगड़ा वाला देखने को मिलता है, कैमरास वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं। हां, ये बार आपको OIS नहीं मिलता है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर आपको नया वाला मिल रहा है, बैटरी लाइफ अच्छी, फास्ट चार्जिंग अच्छी, तो कुल मिला के चाइना प्राइस पॉइंट पे तो Realme ने सारे स्मार्टफोन्स को किल कर दिया है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमें इंडिया में कब देखने को मिल सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है। तो इंडिया में आपको कुछ ही दिनों में ये लॉन्च होते हुए दिखेगा, क्योंकि माधव सेठ जो कि इनके इंडिया हेड है वो टीस करना स्टार्ट कर दिए, एंड इंडिया की जो आप बोल सकते हो इंडिया की वेबसाइट है उस पर भी इसका लैंडिंग पे जा चुका है। तो डेफिनेटली नवंबर की लास्ट वीक में या दिसंबर की स्टार्ट में आपको ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। 10 प्रो भी लॉन्च होगा, 10 प्रो प्लस भी लॉन्च होगा। इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट रह सकता है, तो इंडिया में डेफिनेटली 19,500 वाला तो देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया में अराउंड ये 25,000 रुपीस से भी यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो काफी किलर स्मार्टफोन ये बन सकता है। एंड इंडिया में आपको बता दूं ये 8/28 वाला वेरिएंट तो रहेगा, लेकिन 6/28 के साथ में स्टार्ट होगा, तो और प्राइस पॉइंट आपको कम देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगे, इसकी इंडिया प्राइस पॉइंट आपके हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन को देखते हुए क्या होनी चाहिए, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि हमसे कुछ नई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।